सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं चैट जीपीटी के बारे में। आई होप कि आप सब ने इसके बारे में सुन लिया होगा और आपको पता होगा कि चैट जीपीटी क्या है। अगर नहीं पता है तो मैं आप ही के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं इस पे मेरे दिमाग में बहुत सारे ऐसे आइडिया हैं जिनके अंदर अपन चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके एक अर्निंग की अपॉर्चुनिटी बिल्ड कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके हो सकते हैं जिसके थ्रू आप चैट जीपीटी का यूज करके अर्निंग कर पाएंगे। वो मैं आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये क्विक वीडियो आपको दे रहा हूं कि चैट जीपीटी है क्या और कैसे आप लोग इसका यूज करोगे। सो गाइज, चैट जीपीटी एक बहुत ही एडवांस बोट है। जैसे बहुत सारे अपन एआई टूल्स का यूज करते हैं, ये भी एक एआई बेस्ड चैट बोट है। चैटबॉट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप जस्ट लाइक किसी से जैसे चैट करते हैं, कम्युनिकेशन जैसे आप करते हैं, उसी प्रकार से आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया था ओपन एआई द्वारा नवंबर 2022 में, आप यहां पर देख सकते हैं। तो इसको एक्सेस करने के लिए बेसिकली आपको अपने ब्राउजर में आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हो चैट जीपीटी। जैसे आप सर्च करोगे तो ओपन एआई की यहां पर आपको वेबसाइट मिलेगी, इस पर आपने क्लिक करना है, जो कि 30 नवंबर 2022 को ये यहां पर जो है लाइव हुई थी, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इनकी जो पूरी वेबसाइट है वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही एडवांस बोट है, एक बहुत ही एडवांस एआई सिस्टम है जो आपके किसी भी क्वेश्चन का इजीली आंसर दे सकता है। ये गूगल से काफी एडवांस है, क्योंकि जब भी आप गूगल में अपना कोई क्वेश्चन डालते हो, सर्च करते हो, कोई क्वेरी सर्च करते हो, तो गूगल आपको लाखों वहां पर ऑप्शन दे देता है, आपको अपना राइट आंसर जो है वो खुद यहां से फाइंड करना होता है। लेकिन चैट जीपीटी इसके अपोजिट है बिल्कुल। आप जो यहां पर क्वेरी दोगे उसका डायरेक्ट आंसर ये आपको देने वाला, आपको वेरिएशन नहीं देने वाला, कि बहुत सारे आपको ऐसे लिंक नहीं देगा कि आप चूज कर लीजिए कि आपको कौन सा अच्छा लगता है या आपके नजर में सही कौन सा, वो हमें ही चूज करना होता है गूगल में, लेकिन चैट जीपीटी में ऐसा नहीं है। तो बात करते हैं कैसे इसको यूज करना है। आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि एक एआई टूल है जो आपके किसी भी सवाल का, किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। इसके अलावा बहुत सारे काम जो है वो इजीली कुछ ही सेकंडों में आपके लिए कर सकता है। ठीक है, तो इसको यूज करने के लिए सिंपली जैसे आप इनकी वेबसाइट पर आओगे तो यहां पर आपको बटन दिख जाएगा ट्राई चैट जीपीटी, इस पे आपने क्लिक करना है। और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको साइन अप करने के लिए कहेगा। साइन अप करने के लिए यहां पर आप मैन्युअली अपना ईमेल देकर के आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहां पर आप माइक्रोसॉफ्ट या फिर गूगल के थ्रू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहां पर कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करूंगा। उसके बाद अपना ईमेल यहां से आपको सिलेक्ट करना होगा, अगर आपने लॉगिन कर रखा है तो, अदरवाइज आप अपना ईमेल एड्रेस यहां पर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, देन आपको अपने ईमेल का पासवर्ड यहां पर टाइप करना है और फिर से आपको नेक्स्ट करना है। अगर आपने लॉगिन कर रखा होगा तो आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप यहां पर साइन अप हो जाओगे। ओके, तो जैसे ही अपन ने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो हम यहां पर ऑलमोस्ट एंटर हो चुके हैं, लेकिन ओपन होने से पहले ये आपका जो ब्राउजर है, आपका जो कनेक्शन है, उसको यहां पर वेरीफाई करता है। तो कपल ऑफ सेकंड्स आपको यहां पर वेट करना होगा। देन गाइज, आपके सामने ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा जहां पर आपको अपना नाम देना है, लास्ट नेम देना है, आपको फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आपको एंटर करना है और सिंपली आप यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड देन यहां से आपको मोबाइल नंबर जो है अपना वेरीफाई करना होगा। डेफिनेटली आपको अपना फोन नंबर यहां पर देना होगा, तो यहां से अपन फोन नंबर जो है वो एंटर करेंगे। यहां से फोन नंबर देने के बाद आपको सेंड कोड वी SMS या फिर आप WhatsApp पर भी इसका कोड जो है वो रिसीव कर सकते हैं, इस पे क्लिक करना होगा। जैसे आपके पास कोड ये आ जाएगा तो आपको यहां पर कोड एंटर करके वेरीफाई कर लेना है, आपका अकाउंट यहां पर बन जाएगा। अब आप इसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं। अब मैं लॉगिन करके आपको दिखाता हूं कि कैसे उसके बाद आप इस टूल का यूज कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, यहां पर देखिए, जैसे आप अपना कोड डाल के वेरीफाई करोगे तो डायरेक्ट आप लोग इस इंटरफेस पे आ जाओगे। बहुत ही आसान है इसके अंदर साइन अप करना। तो हम यहां पर लॉगिन कर चुके हैं चैट जीपीटी के अंदर, जो कि बहुत ही एडवांस एआई टूल है जिससे आप बहुत सारी अपनी क्वेरीज को सोल्व कर सकते हो, जिसके बहुत फास्ट ये आंसर आपको दे सकता है, बहुत एक्यूरेट आंसर ये आपको जो है वो दे सकता है। चाहे वो कोई मैथ का क्वेश्चन हो, चाहे वो किसी लैंग्वेज में आप कोई कोडिंग कर रहे हैं, उसका कोई कोड आपको जानना है तो उसके लिए आप यहां पर टाइप कर सकते हैं। बहुत सारी इसके अंदर कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन यहां पर कुछ यहां पे देखोगे ना आप तो यहां पर सैंपल दिए हुए हैं कि क्या क्या किस तरीके से आप यहां पर सर्च कर सकते हैं। बेसिकली वैसे आप सब कुछ सर्च कर सकते हैं, तरीका बताया हुआ है कैसे आप इसका यूज करोगे। उसके अलावा कैपेबिलिटीज क्या है वो यहां पर बताई हुई है और इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। डेफिनेटली ये एक नया टूल है और आंकड़ों से पता चला है कि ये एक ऐसा टूल है जिसने 5 दिन में ही 1 मिलियन का जो यूजर का आंकड़ा है उसको क्रॉस कर दिया। यानी कि 5 दिन में ही, लगभग 1 वीक में ही इसने 1 मिलियन यूजर जो है वो गेन कर लिए हैं। आप जानते हैं बड़ी बड़ी और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनको ये आंकड़ा रिसीव करने में, अचीव करने में काफी टाइम लगता है, महीनों या सालों भी लग जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही फास्ट ग्रो होने वाला टूल है। तो लिमिटेशन में आप देखोगे, डेफिनेटली ये नया टूल है तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो इन्होंने बताया है कि हो सकता है कि कुछ इंफॉर्मेशन ये आपको गलत दे दे। ठीक है, तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन यूज करने से पहले जो है उसको वेरीफाई करना है या उसको 100% एक्यूरेट आपने नहीं मानना है।
वैसे ये अच्छा रिजल्ट देता है, मैंने इसको खुद चेक किया है, लेकिन क्योंकि ये आखिरकार है तो टूल एंड ये एक बोट है, इसके अलावा ये नया है तो थोड़ा टाइम लग सकता है। और इसने यहाँ पर लास्ट में एक चीज़ बताई हुई है कि 2021 के बाद की जो चीज़ें हैं जैसे कि इवेंट से संबंधित या कुछ और इन्फॉर्मेशन जो है वो हो सकता है कि इसके पास अवेलेबल ना हो, ठीक है, तो उस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे देखो न्यू चैट का ऑप्शन है, इसके अलावा लाइट मोड का एक ऑप्शन है जिसको कि आप चेंज कर सकते हैं, ओपन AI डिस्कॉर्ड है जिसको कि आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, एंड देन यहाँ पर अपडेट्स एंड FAQ है, तो इस पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो इसके बारे में, और यहाँ पर लॉगआउट का एक ऑप्शन है। बात करते हैं मुद्दे की कैसे इसको आप यूज करोगे, ये बहुत ही आसान है, जो भी चीज़ आप गूगल में सर्च करते थे वो आप यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको रिजल्ट गूगल से बेहतर मिल सकते हैं, और ये एक आपका आंसर देने वाला है आपको जो आपकी क्वेरी होगी उसका, तो ये ज़्यादा रिलायबल होगा कि गूगल में अगर आप कोई क्वेरी सर्च करते हो तो उसके अंदर आपको बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं, तो राइट इन्फॉर्मेशन आपको खुद चूज करनी होगी, यहाँ पर आपको डायरेक्टली आंसर देने वाला है। ऊपर से इसके अंदर एक अलग से इंटरेक्शन जो बनता है कम्युनिकेशन का, एक चैट का, वो आपको बहुत अच्छा फील देता है, आप यहां से बोर नहीं होते और काफ़ी देर तक यहां पर इंफॉर्मेशन को जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। तो यहां पर टेस्ट कर लेते हैं सिंपल सी, यहां पर कोई भी क्वेरी यहां पर अपन टाइप करेंगे, तो चलिए अपने फील्ड से रिलेटेड अपने एक क्वेश्चन यहां पर सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैं अगर यहां पर सर्च करूं व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, तो मैंने सिंपल सा यहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर लिखा है, इसको अपन सर्च करेंगे, तो ये देखिए बहुत ही फास्ट तरीके से और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन ये आपको प्रोवाइड करवा रहा है। यहाँ पे देखिए एफिलिएट मार्केटिंग इज ए परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग मॉडल इन विच एफिलिएट्स अर्न अ कमीशन फॉर प्रमोटिंग ए मर्चेंट्स प्रोडक्ट्स, ओके, तो ये आप सबको पता ही है इसकी डेफिनेशन जो है एफिलिएट मार्केटिंग की, लेकिन डेफिनेशन के अलावा यहाँ पे नीचे देखिए हेयर हाउ एफिलिएट मार्केटिंग टिपिकली वर्क्स, कैसे एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो काम करती है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको इसने एक्सप्लेन करके दिया है। अगर आप यही क्वेरी जो है गूगल में सर्च करते तो आपको काफ़ी सारे वहाँ पर जो है वेरिएशन आपको मिलते, आपको काफ़ी सारे आंसर मिलते, तो उनमें से आपको एक एक्यूरेट आंसर जो है वो फाइंड करना था, लेकिन इसने डायरेक्टली आपको एक स्पेसिफिक आंसर जो है वो आपके सामने दे दिया है, और जो हमने एक क्वेश्चन सर्च किया था उसके एडवांस ही इसने जो है हमें आंसर जो है प्रोवाइड करवाया। तो अगर हम यहाँ पर सर्च करें बेस्ट ऑनलाइन वेज टू मेक मनी, यहाँ पे देखिए मैंने बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है, बेस्ट वेज टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर ए स्टूडेंट, ठीक है, तो इसको अपन अगर सर्च करते हैं तो ये क्या बताता है, देर आर सेवरल वेज दैट स्टूडेंट कैन मेक मनी ऑनलाइन, हेयर आर फ्यू ऑप्शंस टू कंसिडर, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है ये बता रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग करने के, उनमें से कुछ जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये देखो आपको स्टेप बाय स्टेप एक पर्टिकुलर लाइन में वेरीफाई करते हुए आपको समझाते हुए कि किस तरीके से आप कर सकते हैं वो आप यहाँ पर आपको बता रहे हैं। देखो उसमें पहला इसने बताया है कि फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं, दूसरा इसने बताया है आप टीचिंग कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप वो सिखा सकते हैं ऑनलाइन, इसके अलावा सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, आप प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग आप कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्वे वगैरह आप कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग आप कर सकते हैं, तो इसने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं ऑनलाइन अर्निंग के। सो गाइज आपने देख लिए ये कितना एडवांस और बड़ा शानदार तरीके से जो है आपकी किसी भी क्वेरी का जो है वो आंसर यहाँ पर दे सकता है। एक छोटा सा और एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, यहाँ पे अपन एक क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है हाउ टू ऐड पैडिंग फॉर ए इमेज यूजिंग CSS, कि इमेज की अपन अगर पैडिंग देनी है तो CSS में कैसे अपन जो है वो दे सकते हैं। अगर अपन ये यहाँ पर सर्च करते हैं तो आप अभी रिजल्ट देखिएगा कि आई होप कि ये आपको विद एग्जाम्पल यहाँ पर कोड के अंदर जो है आपको ये शो करेगा, आप देख सकते हैं कि कैसे आप एक पर्टिकुलर इमेज को पैडिंग दे सकते हैं यूजिंग CSS, तो आप यहां पर देखिएगा, ये देखिए एग्जांपल ये दे रहा आपको लाइव, तो किसी भी काम में कोडिंग में भी आपको ये बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर सकता है अगर आप डेवलपर हैं, और भी इसके बहुत अच्छे यूज हो सकते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन में ही मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ईजीली गूगल को आज के समय में अभी ये बीट कर रहा है, ठीक है, तो आने वाली वीडियोस का आप इंतजार करिए, मेरे पास दिमाग में मेरे बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं जिसके थ्रू हम काफी अच्छा यूज कर सकते हैं इस चैट बोट का जो कि अभी बिल्कुल फ्री है एक ऑनलाइन अर्निंग की अपॉर्चुनिटी बिल्ड करने के लिए। तो मेक श्योर कि आप चैनल के साथ बने रहें और इसके अंदर साइन अप करें, इसका आप यूज करें, आप इसको ट्राई करके देखें, तब तक मैं जल्दी इन पे काफ़ी अच्छी वीडियोस लेके आने वाला हूं जिससे कि आप अच्छी अर्निंग की अपॉर्चुनिटी बिल्ड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में इस बोट का यूज करते हुए। अगर कोई क्वेरी आपके मन में रह गई हो, ये टूल आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अब मैं जल्दी मिलता हूं एक नई वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।